पॉइंट्स है कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन से कंपनी में ये 7 पॉइंट है आपको जाना चाहिए, और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मोदी केयर के बारे में। सो मोदी केयर का जो 7 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक्चुअल में अभी 6 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट की दो वीडियोस में। अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखी तो उसको सीरियल वाइज पहले उन दो वीडियोस को देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। दूसरी बात, ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, इसलिए आपको पूरा देखना है तभी आप उसमें बेटर समझ पाओगे, क्योंकि अभी मैं मोदी केयर की एक एक इनकम को यहाँ पे गिनाऊंगा आपके साथ, आपको पता चलेगा कि आप कैसे मोदी केयर के बिजनेस प्लान में आगे बढ़ सकते हो, राइट। सो 7 पॉइंट था मोदी केयर का प्लान, कि आपको पता चलना चाहिए कि मोदी केयर के प्लान में कौन कौन सी इनकम्स हैं और इन इनकम्स को हम कैसे ले सकते हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट मोदी केयर प्लान। सो मोदी केयर प्लान में बहुत सारी इनकम्स है, बहुत सारी, राइट। स्टार्ट विद वन, एक्चुअल में मोदी केयर का प्लान एक नहीं है, मोदी केयर के दो प्लान है आज की डेट में। फर्स्ट प्लान इज कॉल्ड कंसल्टेंट प्लान, यानी नेटवर्कर प्लान, कंसल्टेंट प्लान, एंड सेकंड प्लान इज कॉल्ड कस्टमर प्लान या कंज्यूमर प्लान, राइट। अभी एक प्लान है हमारा कंसल्टेंट प्लान और दूसरा प्लान है हमारा कस्टमर प्लान। पहले हम डिस्कस करते हैं कस्टमर प्लान के बारे में, कि कस्टमर प्लान क्या है, कैसे आप मोदी केयर के सिर्फ कस्टमर बनके बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो कस्टमर प्लान है वो अभी तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल या सबसे ज्यादा सेविंग्स वाला प्लान है, राइट। सो कस्टमर प्लान क्या है, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी प्लान में अगर रीपर्चेस जनरेट नहीं हो रहा तो आपका जोर ज्यादा लगेगा न्यू कंसल्टेंट को या न्यू कस्टमर को ढूंढने में। अगर आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर खुश है आपके साथ तो वो आपका प्रोडक्ट भी लेगा, साथ में आपकी रीपर्चेज भी जनरेट करेगा, और तीसरी बात आपका नेटवर्कर भी बनेगा। सो प्रोडक्ट भी लेना चाहिए फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम रीपर्चेज भी आना चाहिए, और थर्ड टाइम उसको नेटवर्किंग भी करनी है अगर वो आपकी सर्विसेज से और आपके प्रोडक्ट से खुश है। एक कस्टमर दो तरह से खुश होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेकंड आपकी सर्विस से। अगर आपको टाइम टू टाइम उससे मिलते हो और डेफिनेटली आपको वो रीपर्चेज भी देता है, और कहीं अगर साथ में कंपनी जुड़ जाए उसके साथ रीपर्चेज जनरेट करने में एक अच्छा सा प्लान दे दे, तो कस्टमर तो डेफिनेटली रीपर्चेज जनरेट करता ही है। तो हमारे प्लान में कैसे रीपर्चेज बढ़िया इनकम जनरेट करता है, कैसे रीपर्चेज बढ़िया आपको पैसा दिलाता है, कैसे रीपर्चेज प्लान या कस्टमर प्लान कस्टमर को मैक्सिमम बेनिफिट देता है, तो आइए देखते हैं। सो कस्टमर प्लान बड़ा सिंपल है, मैं यहाँ पे एक 3600 रुपए का एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि एवरेज जो मोदी केयर का रीपर्चेज है वो 3600 रुपए का है, कि हर कस्टमर एवरेज 3600 रुपए का प्रोडक्ट यहाँ पे मोदी केयर से लेता है। तो अगर आप मोदी केयर में आए, अगर आपने मोदी केयर से 3600 रुपए का कोई प्रोडक्ट पसंद किया, तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा लगभग 3000 रुपए में, मतलब कि 600 रुपए आपका हो जाएगा लेस, यानी 600 रुपए का आपको हो गया बेनिफिट, राइट। सेकेंडली जब आप 3000 डीपी यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस यानी कंसल्टेंट प्राइस कुछ भी बोल सकते हो, और 3600 रुपए एमआरपी पे ऊपर परचेज करते हो, तो आपको लगभग 400 रुपए का प्रोडक्ट एमआरपी के ऊपर फ्री गिफ्ट में मिलता है, राइट। तो 600 और 400 हो गया लगभग 1000 रुपए। और थर्ड नंबर पे अगर आप ये रीपर्चेज अपनी 3000 रुपए डीपी या 3600 रुपए एमआरपी या कुछ भी आपका एवरेज बनता है 4000-5000 कोई आप महीने का परचेज करते हो, अगर आप करते हो लगातार 6 मंथ के लिए, तो लगभग 7वें मंथ आपकी जितनी एवरेज है 7वें मंथ आपको उतने का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपने 3600 रुपए का प्रोडक्ट पसंद किया, पहले मंथ आपको मिला 3000 रुपए में, 600 बेनिफिट हो गया, 400 का फ्री प्रोडक्ट आ गया आपको, राइट। और अब आपको क्या होगा कि आपको जो 3000 रुपए का प्रोडक्ट आपने परचेज करना है जिसका एमआरपी होगा 3600 रुपए, आपको 7वें मंथ अगेन 3600 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा, राइट। अगर हम 3600 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट अगर आपको 7वें मंथ फ्री मिलता है 6 महीने के बाद, तो ये लगभग एवरेज बनता है 600 रुपए पर मंथ। यानी आपने करना क्या है, 3600 रुपए एमआरपी का सामान जो कि आपको मिलेगा 3000 रुपए के लिए, 3000 रुपए में आपने खरीदना है लगातार 6 महीने के लिए, और 7वें महीने आपको 3600 रुपए एमआरपी का सामान फ्री मिल जाएगा, राइट। यानी 600 रुपए पर मंथ की एवरेज बनती है। तो ये बन गया आपका 1600 रुपए। अब आप देखो आपने पे कितना किया, 3000 रुपए पर मंथ, और बेनिफिट कितना हुआ, 1600 रुपए पर मंथ, लगभग 50% प्लस, 50% से ऊपर। अब ये कस्टमर को रीपर्चेज जनरेट करवाने में काफी हेल्प करता है। सेकेंडली ये करना 15 तारीख से पहले होता है। अभी रीपर्चेज आपका
जितना भी टारगेट आप अगर आपने लॉयल्टी प्रोग्राम या कस्टमर प्रोग्राम से लिया है तो आपका तो वो 15 तारीख तक ही कंप्लीट हो जाता है राइट। तो आपका जितना भी टारगेट अगर आप कस्टमर प्लान से लेते हो, और दूसरी बात अगर मान लो आपने लगभग 2 लाख रुपए का बिजनेस क्रिएट किया सिर्फ कस्टमर प्लान के बिहाफ पे, तो आप एक चीज और देखिए, आपका बिजनेस सिर्फ इस मंथ के लिए कंसिस्टेंट नहीं है, नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिक आएगा, उसके नेक्स्ट मंथ भी ऑटोमेटिक आएगा, ऐसा आपका लाइफ लॉन्ग आपने बिजनेस जनरेट कर लिया। एटलीस्ट आपने 6 महीने का बिजनेस 1 महीने में जनरेट कर लिया। और तीसरी बात, अगर आप 6 महीने बाद अगर 7वें मंथ इसको फ्री में प्रोडक्ट मिले तो आपका लाइफ टाइम कस्टमर भी बन गया, साथ में चांसेस हैं कि नेटवर्कर भी बन जाए। सो ये काफी बेनिफिट है कस्टमर प्लान का राइट। सो ये कस्टमर प्लान है। अभी हम डिस्कस करते हैं कंसल्टेंट प्लान। सो कंसल्टेंट प्लान भी काफी पेयउप वाला प्लान है राइट। कंसल्टेंट प्लान में क्या करना होता है, कंसल्टेंट प्लान में पहली इनकम है 7 से लेकर 22% परफॉर्मेंस बोनस की राइट, 7 से लेकर 22% परफॉर्मेंस बोनस की राइट। दूसरी इनकम है 14% डायरेक्टर बोनस की राइट, ये पूल इनकम है। थर्ड इनकम है 15% लीडरशिप बोनस की, ये भी पूल इनकम है। फोर्थ इनकम 3% ट्रेवल फंड की, ये भी पूल इनकम है। फाइव इनकम 5% कार फंड की, ये भी पूल इनकम है। सिक्स इनकम 3% हाउस फंड की, ये भी पूल इनकम है। सेवंथ इनकम 10% बिजनेस बिल्डिंग फंड की। एट 8% डीपी कमीशन। नाइन 5% आजादी बोनस। अभी एक ये वाली इनकम जो मैं आपको लिखा रहा हूं, टेंथ इनकम, ये समटाइम आती है समटाइम नहीं आती राइट। ये क्या है, 4% डीपी रेफरल इनकम 11, लगभग 10% नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेवल बोनांजा। इसको टोटल लगा लोगे तो ये लगभग बनेगा 103% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम। मतलब कंपनी का अगर जितना भी बिजनेस वॉल्यूम होता है, अभी हमारे प्रोडक्ट पे 60% बिजनेस वॉल्यूम भी है और 65% बिजनेस वॉल्यूम भी है प्रोडक्ट पे। अगर कंपनी का 60% बिजनेस है, मतलब अगर कंपनी 100 रुपए का बिजनेस करती है, उस पर आपको 60 BV मिलता है, और 60 BV का लगभग 103% या 100% की लगा लो आप, तो जितना बीवी मोदी के क्रिएट करता है उतने का प्रोडक्ट दे देता है, उतने का उतने का आपको वापस दे देता है। सो हाईएस्ट प्रोफाइल 100 रुपए का कंपनी का टर्नओवर होता है, उस पर कंपनी लॉयल्टी प्रोग्राम भी देगी, उस पर 50% डिस्काउंट देगी, और उसके ऊपर 60% कमीशन अलग से देगी। ये इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट पे आउट प्लान है। पूरे इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पे आउट प्लान है। बाइनरी की इनकम को इसने ब्रेक कर दिया है, बाइनरी की इनकम भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। आप हिसाब लगाओ, उस प्लान में इतना पैसा है कि लगभग 3 लाख रुपए के बिजनेस पे आप 1 लाख रुपए का चेक ले सकते हो इस बिजनेस के प्लान के, वो भी टीम के साथ। सो इस प्लान में बहुत दम है। अभी ये काफी इंडियन काफी इंटरनेशनल कंपनी को बीट कर चुका है अपने प्लान में, अपने प्रोडक्ट में, अपने प्रोफाइल में। और जितने मैंने आपको 7 पॉइंट गिनाए, एक एक पॉइंट को इसने खत्म कर दिया है। एंड में आपसे एक और पॉइंट में डिस्कस करूंगा, ये इनकम कैसे आती है, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि इस इनकम को आप कैसे ले सकते हो। लेकिन एक आपको छोटा सा ट्रेलर बताता हूं मोदी के बिजनेस प्लान के बारे में, वो ये है कि यहां पे मान लो आप हो, यहां पे आपकी 5-6 डाउनलाइन यानी लेग्स हैं, यहां पे उनकी भी लेग्स हैं, यहां पे उनका ग्रुप बन रहा है, यहां पे उनका ग्रुप है, ऐसे करते करते आपका बहुत बड़ा ग्रुप बन गया। दोस्तों आमतौर पे क्या होता है, जब ये बंदा काम करता है तो इसको पैसा जाता है राइट, जब ये बंदा काम करता है तो इसको पैसा जाता है, इसको पैसा जाता है, यानी इस बंदे का पैसा इसको आएगा, फिर इसका थोड़ा बहुत इसको आएगा और इसको आएगा राइट। मतलब कि आपकी अपलाइन को पैसा जाएगा, ये काम करेगा तो इसको इसको और इसको पैसा जाएगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस बंदे ने काम किया हो और इस बंदे को पैसा जाएगा। मतलब ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, ये काम कर रहा है तो इसको तो पैसा जाएगा ही, इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा, लेकिन इस बंदे से काम करने का बेनिफिट इस आदमी को कभी नहीं जाएगा, इस आदमी को कभी नहीं जाएगा, इस आदमी को कभी नहीं जाएगा। ये है ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग प्लान। लेकिन मोदी केयर के प्लान में ऐसा नहीं है। मोदी केयर के प्लान में अगर ये काम करेगा, इसको भी पैसा जाएगा, इसको भी पैसा जाएगा, इसको भी पैसा जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी आएगा, इसको भी आएगा, पूरे ग्रुप में कुछ ना कुछ उसका हिस्सा जरूर बटेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लान, जब मैंने आपको जितनी भी इनकम गिनाई है 14% ट्रैक्टर बोनस,
3% ट्रैवल फंड, 15% लीडरशिप बोनस, 5% कार फंड, जितना ही मैंने आपको फंड्स गिनाए हैं, ये फंड्स आपकी सेल पे नहीं आएगा। 14% किस पे? आपकी सेल पे नहीं, कंपनी की सेल पे। 15% लीडरशिप बोनस किस पे? आपकी सेल पे नहीं, पूरी कंपनी की सेल पे। पूरे कंपनी ने जितना बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया उस पर, अगर आपकी सेल कम ज्यादा भी होगी लेकिन कंपनी की सेल बढ़ेगी तो आपकी पॉइंट वैल्यू बढ़ती है और आपका चेक डेफिनेटली बढ़ेगा। तो इस प्लान की ब्यूटी क्या है कि आपको पैसा आता है आपकी सेल का नहीं, आपकी कंपनी की सेल का, आपकी टोटल टीम की सेल का नहीं, आपके मोदी केयर में जितने भी टीम्स हैं उन सभी की टीम का पैसा आता है, राइट। सो ये प्लान एक कम्युनिटी प्लान है, बेसिकली एक म्यूचुअल एड प्लान है, सभी का बेनिफिट है, राइट। म्यूचुअल बेनिफिट प्लान, म्यूचुअल एड प्लान है। सो एक डिजिटल एक कम्युनिटी का प्लान है, राइट। सभी का, सभी जितना भी इंडिया में ग्रुप है, जितना भी कोई काम करता है, अगर आपके ग्रुप में है, आपका क्रॉस लाइन है, तब भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इस प्लान का पैसा सभी को है। जो भी कोई मोदी केरियन है, आपकी क्रॉस लाइन में है, आपकी अपलाइन में है, आपकी डाउनलाइन में है, आपको उसका पैसा आएगा। तो इसलिए खुश हो जाया करो जब भी मोदी केयर ऑफिस में कोई परचेज पड़ती है, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा तो आपको भी आएगा, चाहे आपकी टीम में कोई बंदा है या नहीं है। इस प्लान के साथ जुड़ने के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हो, आप मेरे से, क्योंकि मैं अब इंडिया में हर शहर में अपने लीडर्स फाइंड आउट कर रहा हूं। मैं इंडिया में बहुत बड़ी टीम बनाने जा रहा हूं। अगर आप हमारे साथ आना चाहते हो और आप चाहते हो हमारे साथ काम करना, तो आप मेरे को फोन कर सकते हो। और क्योंकि अब पूरे इंडिया में हमने बिजनेस बिल्ड करना है, हर स्टेट में बिजनेस बिल्ड करना है, हर सिटी में बिजनेस बिल्ड करना है, स्पोर्ट के लिए, किसी तरह के नॉलेज के लिए आप मेरे को जब मर्जी फोन कर सकते हो। हम मिलकर बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने ठान लिया है कि इस मोदी के बिजनेस को हर एक गांव में लेके जाना है, हर एक बड़े शहर में लेके जाना है, हर एक घर में लेके जाना है, इसको बहुत बड़ा बिल्ड करना है। सो थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय हिंद।